बुधनी विधानसभा सीट की जिसके लिए उपचुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हो चुकी है। दशकों से ये सीट भाजपा के पास रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के बाद अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस बार पूरी कोशिश अगर कर ली गई तो कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। इसी कड़ी में देर रात को पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बुधनी के दौरे पर पहुंचे। जयवर्धन सिंह ने बकतरा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सही मायने में विकास तो शाहगंज में भाजपा नेताओं का हुआ है। उन्होंने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के मकान को व्हाइट हाउस कहकर तंज कसा है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एकजुट रहने की शपथ भी दिलाई। रणनीति बनाएंगे, लेकिन शाहगंज से जाते वक्त हमें दर्शन हुए व्हाइट हाउस के। व्हाइट हाउस 17 साल में क्या विकास हुआ दिख रहा था व्हाइट हाउस। और लाल पत्थर रेडी में भी लाल पत्थर के विकास कार्य, नसोनागंज में भी लाल पत्थर के विकास कार्य, शाहगंज में भी वही लाल पत्थर दिख रहे। बहुत कुछ बदला है मध्य प्रदेश में और विशेषकर बुधनी विधानसभा में पिछले कुछ महीनों में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ के प्रमुख नेता थे और जो प्रदेश के भी 17 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अब केंद्र मंत्री बन चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं, तो यहाँ पर अब एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है।